हेलो एवरीवन, अगर आप ट्विन प्रेगनेंसी में नॉर्मल डिलीवरी चाहती हैं तो आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातें जरूर पता होनी चाहिए, इसलिए आप वीडियो लास्ट तक जरूर देखें ताकि आपसे कोई भी इम्पोर्टेंट पॉइंट मिस ना हो। ट्विन प्रेगनेंसी के साथ नॉर्मल डिलीवरी होना थोड़ा सा हैरान करने वाली बात होती है, मगर ये इतना मुश्किल भी नहीं है अगर आप पूरी प्रेगनेंसी बहुत ही अच्छे से ख्याल रखती हैं एंड सही जानकारी रखती हैं, तो ऐसे में नॉर्मल डिलीवरी की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। आप एक बात बहुत ही अच्छे से ध्यान रखें कि ट्विन प्रेगनेंसी कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी नहीं होती है जब तक कि आपके डॉक्टर आपको नहीं बोल देते हैं। ट्विन प्रेगनेंसी जो है वो सिंगल प्रेगनेंसी की तुलना में थोड़ा सा चैलेंजिंग जरूर होती है। बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जहां पर ट्विन प्रेगनेंसी होने पर भी नॉर्मल डिलीवरी की पूरी कोशिश की जाती है। ये बात बिल्कुल सच है कि ट्विन्स में ज्यादातर जो चांस होते हैं वो सी सेक्शन के ही होते हैं। जब आप अपना 6 वीक पर पहला अल्ट्रासाउंड कराती हैं, तो आपके डॉक्टर ये जरूर चेक करते हैं कि आपकी किस टाइप की ट्विन प्रेगनेंसी है। क्योंकि मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि ट्विन प्रेगनेंसी जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। एक होती है डाइकोरियोनिक एंड एक होती है मोनोकोरियोनिक, जिसके की 2 पार्ट होते हैं। डाइकोरियोनिक में प्लासेंटा की संख्या 2 रहती है, बट मोनोकोरियोनिक में प्लासेंटा की संख्या 1 ही रहती है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि किस टाइप की प्रेगनेंसी में नॉर्मल डिलीवरी बिल्कुल नहीं हो सकती है। अगर आपकी प्रेगनेंसी इस टाइप की है जिसमें आपके दोनों बच्चों की थैली 1 ही है एंड आपके प्लासेंटा भी 1 ही है, तो ये प्रेगनेंसी बहुत ही ज्यादा रिस्की होती है और इसमें बच्चों को हर हाल में सी सेक्शन के द्वारा ही बाहर निकाला जाता है। तो ऐसे में आप बिल्कुल भी नॉर्मल डिलीवरी ट्राई करने की गलती ना करें। एंड दूसरी वो प्रेगनेंसी होती है जिसमें कि आपके बच्चों की थैली अलग अलग होती है बट आपका प्लासेंटा 1 ही रहता है और इसमें भी दोनों बच्चों को सी सेक्शन के द्वारा ही बाहर निकाला जाता है, तो ऐसी प्रेगनेंसी होने पर आपको नॉर्मल डिलीवरी बिल्कुल ट्राई नहीं करनी है। एंड तीसरी वो प्रेगनेंसी होती है जिसमें कि आपके दोनों बच्चों की थैली अलग अलग होती है एंड दोनों बच्चों का प्लासेंटा भी अलग अलग होता है, और ये प्रेगनेंसी बहुत ही ज्यादा सेफ होती है और इसमें नॉर्मल डिलीवरी के पूरे चांस रहते हैं। बट आपको एक बात का इसमें भी ध्यान रखना पड़ता है और वो है बच्चों की पोजीशन। अगर लास्ट टाइम पर आपके दोनों बच्चों की पोजीशन वर्टेक्स पोजीशन होती है, यानी कि दोनों बच्चों के सर नीचे रहते हैं एंड दोनों के पैर ऊपर रहते हैं, तो ऐसे में नॉर्मल डिलीवरी बिल्कुल हो जाती है। और अगर आपके बच्चों की पोजीशन में एक की वर्टेक्स होती है एंड एक ब्रीच होता है, वर्टेक्स यानी कि बच्चे का सर नीचे है, ब्रीच यानी कि एक बच्चे का सर ऊपर है, तो ऐसे में भी नॉर्मल डिलीवरी बिल्कुल हो सकती है। और इसके साथ ही आपको ये बात भी ध्यान रखनी है कि अगर आप पूरी प्रेगनेंसी बिल्कुल स्वस्थ रहती हैं, जैसे कि आपको प्रीक्लैम्प्सिया एंड डायबिटीज जैसी कोई भी गंभीर बीमारी नहीं होती है, तो ऐसे में आपको लेबर पेन के टाइम बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता है। और अगर आपके साथ ये तीनों चीजें मैच करती हैं और आपके डॉक्टर ने आपको पूरी तरह से क्लियर कर दिया है कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी बिल्कुल हो सकती है, तो आपको क्या करना है, डेली हल्की पुल्की एक्टिविटी जरूर करते रहे एंड आपको हल्की हल्की वॉक डेली जरूर करनी है, और हो सके तो आप कमोड की जगह इंडियन टॉयलेट का यूज करें अगर आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं होती है तो। एंड इसके साथ ही आप एक बात का जरूर ध्यान रखें कि आपको अपनी बॉडी को बहुत ही अच्छे से हाइड्रेट करके रखना है, बहुत ही अच्छे से हेल्दी भोजन लेने की कोशिश करें एंड अनहेल्दी चीजों से बिल्कुल दूर रहें। आप एक बात ध्यान रखें कि लास्ट टाइम में आपको नॉर्मल डिलीवरी की वजह से बिल्कुल भी उकनू बैठ के पोछा नहीं लगाना है, क्योंकि लास्ट टाइम बिल्कुल भी ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। और आप कोई भी काम जबरदस्ती करने की कोशिश ना करें, जिसमें आप कंफर्टेबल होती हैं आप सिर्फ उतना ही काम करें और ज्यादा से ज्यादा अपनी बॉडी को रिलैक्स देने की जरूर कोशिश करें। और आई होप अब आप बहुत ही आराम से क्लियर कर सकती हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी होगी या फिर आपकी सी सेक्शन होगी। एंड इसके साथ ही आप अपने डॉक्टर से खुल के बिल्कुल डिस्कस करिए और जो भी मन में डाउट है, जो भी सवाल है, आप उनसे जरूर क्लियर करिए। अगर आप मुझसे बात करना चाहती हैं या कुछ भी पूछना चाहती हैं, तो आप मेरी इंस्टाग्राम आईडी जरूर फॉलो कर सकती हैं। और अगर आपको ये वीडियो किसी भी वजह से पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन दबाएं ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।